प्रणाम जी सुंदर सा जी, आप सभी सुंदर सा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर सा जी, अपना प्रसंग चल रहा है, विराट पट को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन भूलोक का विस्तार एक बार थोड़ा सा वापिस देखते हैं कि ये जो भूलोक हमने देखा था उसमें सबसे मध्य वाला जो हमने देखा कि वो था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में इलावृत था, ऊपर केतुमाल, नीचे भरद्वाज, इधर रम्य, कुरुवर्ष, हिरण्यवर्ष, इधर था हरिवर्ष, भारतवर्ष और किमपुरुष। तो इसमें जो ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष के फिर से हम देखते हैं 9 खंड हो जाते हैं। इंद्रदीप, कशेरुमान, ताम्बन, गविस्तान, नागदीप, सोमेदीप, गांधरदीप, वारुण और हिंदुस्तान। हमने जम्बूद्वीप में देखे 9 खंड, वहां पे वर्ष करके बोला जाता है, तो 9 वर्ष देखे। अब भारतवर्ष में भी हमने ये 9 देखे। अब इसमें ये जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हम अपने अपने भारतवर्ष के आसपास के हिस्से को ले ले या एशिया को ले ले, तो ये जो अपन बात कर रहे थे ना 7 कॉन्टिनेंट की, जो हम अमेरिका और ये सब बात कर रहे थे, तो वो इसी में। तो ये जो भारतवर्ष है, जम्बूद्वीप के जो 9 खंड हमने देखे ये वाले, ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के भी जो 9 खंड हुए, इसमें अपना पूरा विश्व समाहित है, जहां पे अपने को मनुष्य की आबादी नजर आ रही है। मनुष्यों की जो आबादी नजर आ रही है ना, वो इसी भारतवर्ष में है, क्योंकि ये जो वर्णन है अपने शास्त्रों में वर्णन है, इसको आर्यावर्त कहे, भारतवर्ष कहे, तो भारतवर्ष की भी 9 खंड, तो पूरा जो अपन विश्व देख रहे हैं जहाँ पे अपने को मनुष्य की आबादी मिलती है, वो भारतवर्ष में है। अब ये जो द्वीप है केतुमाल, रम्य, कुरु, हिरण्य, भद्राश, इनमें अवतार अवतार पुरुषों की लीला है यहाँ पर। कि किम पुरुष में सीताराम अवतार की शोभा है, भारतवर्ष में नर नारायण की यानी यहाँ पे कृष्ण अवतार की ज्यादा महिमा है, हरिवर्ष में नरसिंह अवतार, इलावर्त खंड में शिव पार्वती, हिरण्यवर्ष में मत्स्य अवतार, रम्य खंड में कच्छप अवतार, कुरु में वराह, और पूर्व दिशा में जो हग्रीव अवतार, पश्चिम दिशा में केतुमाल में। तो कुल मिला के अपन ये समझे कि इन इन खंडों में अवतारों की शोभा है। मतलब यहाँ पे जैसे जहाँ पे कहीं पे वराह हो गया, कहीं पे शिव पार्वती हो गई, कहीं पे राम का अवतार हो गया, कहीं पे वामन अवतार, तो इस तरह से उन अवतारों की वहां पर लीला है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वहां पे कौन निवास करता है, वहां पे मनुष्य तो है नहीं, वहां पे कौन निवास करता है। ये जो अपना जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में अपना पूरा विश्व समाहित हो गया, अमेरिका कहें, यूरोप कहें, एशिया कहें, वो सब उस भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष के भी 9 खंड है, उसके 9वें खंड में अपन है, बाकी 8 खंड और है ना। अब ये घेर कर ये जो द्वीप आए हैं, ये द्वीप है सूक्ष्म, यहाँ पे लगभग देवतुल्य निवास करते हैं। फिर इसमें भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे भारतवर्ष के अलावा ये जितने वर्ष हैं, केतुमाल, रम्यक वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्य वर्ष, भद्राश, किम पुरुष, हरिवर्ष, यहाँ पर भी देवतुल्य निवास करते हैं। अर्थात ये जो है ना, ये पृथ्वी के स्वर्ग लोग हो गए, पृथ्वी के स्वर्ग लोग हो गए। जैसे किसी एक कोई पुण्यात्मा है, पुण्य जीव है, उसने बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित कर लिया है ना, खूब उसने दान धर्म किए, बावड़ियां बनाई, मतलब धर्मशालाएं बनाई, रहने का स्थान, मतलब उसने बहुत पुण्य कर्म किए। अब उसका पुण्य मान ले अपन 11,11,111 रुपये हो गया, 11 लाख, एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, 11,11,111 रुपये 11 पैसे का पुण्य हो गया। अब 11 लाख का पुण्य तो उसने कहाँ पे खर्च किया, स्वर्ग में। 11 लाख का पुण्य तो स्वर्ग में खर्च हुआ। अब रह गए 11,000, ये 11,000 खर्च हुए जन लोक, तप लोक, सतलोक में। अब रह गए 111, 111 जो घेर के 7 द्वीप आए ना, शालमन द्वीप, पोंछ द्वीप, इस तरह से जो पलक्ष द्वीप, जो घेर के पृथ्वी को घेर के जो द्वीप आए हैं, 111 उसने वहां पर खर्च किए, मतलब वो भी स्वर्ग के समान है। अब 11 पैसे बच गए। अब ये 11 पैसे जो अपने देखा ना, जम्बूद्वीप को घेर के, अपने भारतवर्ष को घेर के किम पुरुष आया है, इस तरह से जो भद्राश आया है, तो 11 पैसे उसने वहां पे खर्च किए। ये देखो, मतलब किसी ने 11 लाख, 11,000, 111 और 11 पैसे, 4 इकाई देख लो, 11 लाख, 11,000, 111 और 11 पैसे, है ना, एक उदाहरण के लिए।
अब जो 11 लाख का सुख है वो तो उसने स्वर्ग में भोगा, 11 लाख का सुख। अब रह गए अपने पास 1,000, 1,000 हुए जनलोक, तपलोक, महलोक में, यहाँ पे उसने सुख भोगा। अब फिर रह गए 111, 111 ये जो दीप है, ये दीप भी स्वर्ग के समान है, मृत्यु लोक पे स्वर्ग के समान है, यहाँ पर भी 5-5 हजार, 10-10 हजार अवश की वायु है, यहाँ भी सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, तो उन्होंने वो सुख यहाँ पे भोगा। अब 11 पैसे रह गए। अब यहाँ जो हमने देखा जम्बू द्वीप को घेर के जो 8 वर्ष आए हैं उनमें भी वो मृत्यु लोक के स्वर्ग हो गए, अब 11 पैसे का सुख उसने यहाँ पर भोगा। तो इस तरह से ये विस्तार हुआ। कल ये बात हो रही थी ना कि इन दीपों में क्या आया, तो इन दीपों में एक तरह से इसको अपन मोटे रूप से यूं समझ ले कि ये जो दीप है, और जम्बू खंड में भी भारतवर्ष को छोड़ के जो पुरुष है, जो जो वर्ष है, वो सब एक तरह से मृत्यु लोक के स्वर्ग है, कि जो मतलब उसकी जो उसके पुण्य रह गए स्वर्ग लोक में और जन लोक में से बाद बच गए, कि अब 11 पैसे है, 11 पैसे तो वहां महंगाई है, वहां खर्च नहीं हो सकते, तो वो नीचे की जगहों में आ गए और यहाँ पे उन्होंने पुण्य किया। तो इस तरह से ये यहाँ पर हुआ। अपन ने करना है अपना तप लोक तक हो गया था, अब करते हैं हम सतलोक। सतलोक यहाँ पर कौन निवास करता है, जैसे अपने को पिक्चर में भी दिख रहा है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश की पुरिया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की यहाँ पर पुरिया है। अब तीनों ही ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, अपनी अपनी पुरियों के वो अध्यक्ष हैं, मतलब अपने अपनी पुरियों के अधिपति हैं। अब जैसे अपन ने देखा था स्वर्ग में कल्प वृक्ष था, कामधेनु गाय थी, पारिजातिक वृक्ष था, इसी प्रकार से हम यहाँ वैकुंठ में भी देखेंगे पारिजातक वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, मंदार है, अंबुज है, इस तरह के ना नाग पुनाग। पारिजातक वृक्ष, कल्प वृक्ष, मंदार, अंबुज, नाग पुनाग आदि वृक्ष है, ये वृक्ष है। तो इन वृक्षों से घेर कर एक सुंदर वहां पे वन है, एक सुंदर वन वाटिका है, एक सुंदर उद्यान है। जैसे अपन परम धाम में कहते हैं कि अपने पास फूल बाग है, ताड़ वन है, अन वन है, तो यहाँ पर इन वृक्षों का एक सुंदर निरीशियस करके वन है, वहां पर जो पुण्य आत्माएं जाती हैं तो वो इनके सुख भोगती हैं, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होके जिस भी फल की कामना करेंगी हाथ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इन सब वृक्षों की ये जो विस्तार है। अब देखेंगे विष्णु के जो 24 अवतार हुए वो भी यहीं से हुए, जैसे अपना वराह अवतार आ जाता है, मत्स्य अवतार आ जाता है, परशुराम अवतार आ जाता है, ये जो 24 अवतार हुए, वामन अवतार है, वो यहीं से हुए। और ये हम देखेंगे आदि नारायण के 8वें, 7वें और 6ठे स्वरूप है, वो देखते हैं अपन वापिस यहाँ नक्शे से। देखो अपन ने अभी तक क्या देखा कि जो इंद्र है, इंद्र जो स्वर्गलोक का अधिपति है, ये था 10वां स्वरूप। धर्मराज है विराट पुरुष की 9वीं सूरत, ब्रह्मा जी हैं 8वीं सूरत, विष्णु जी हैं 7वीं सूरत, और ये जो महेश है ये है 6ठी सूरत। तो अपन ने अभी तक 6 सूरत कर ली। और अपन ने देखा था भूलोक की पहली मंजिल भूलोक है ना। अब ये भी अपने को पता चल गया, पहले तो अपन यहाँ तक ये समझ रहे थे ना कि भूलोक की पहली मंजिल भूलोक ऐसे कि यहाँ पे सुख सुविधा उत्पन्न करनी है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु लोक में भी तो ना स्वर्ग बताए गए। यहाँ पे तो अपन देखा ना कि ये भी स्वर्ग की तरह है, और घेर कर जो 8 वर्ष है वो भी स्वर्ग तुल्य है। तो पहली भूमि तो यही भूलोक हो गई, दूसरी मंजिल हो गई स्वर्गलोक, तीसरी मंजिल हो गई जनलोक और तपलोक, और वैकुंठ धाम है चौथी मंजिल। अब यहाँ पे कौन पहुंचते हैं, यहाँ पर जो 4 प्रकार की मुक्ति आती है, उन मुक्ति का वर्णन ये देखो, यहाँ पे 4 प्रकार की मुक्ति, और ये मुक्ति किस तरह से, सगुण सगुण भक्ति से। तीन तरह की भक्ति आई ना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और परा प्रेम भक्ति, जो अपनी होती है। निर्गुण भक्ति ऊपर की उसमें आएगी निराकार में, ये स्थूल में सगुण भक्ति चलती है। तो यहाँ पे सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य यानी जैसे अगर कोई विष्णु का भक्त है तो उसको विष्णु का धाम मिल गया, सारूप्य विष्णु जैसी शक्ल हो गई, सामीप्य विष्णु जी के समीप वो पहुंच गया, सायुज्य ये सबसे विशेष बताई जाती है। सायुज्य यानी उस जो जीव है उस जीव ने अपने आप को
विष्णु में ही समर्पित कर दिया, उसने अपना अस्तित्व होके खुद को विष्णु के अस्तित्व में मिला दिया, है ना। तो जो सालोक्य मुक्ति मिलती है वो मिलती है विशेष तप से, सर्वे मुक्ति है ध्यान की विशेषता से, समीपे भक्ति की विशेषता से। ज्ञान की महिमा सबसे ज्यादा बताई गई, सायुज्य भक्ति मिलती है ज्ञान की विशेषता से। और हम देखते हैं अपने वृत्तांत मुक्तावली से कि यहाँ तक कहाँ किन किन लोगों की पहुंच है। ये जो सत्य लोक है जिसमें विष्णु का वैकुंठ लोक है, ब्रह्मा का सत्य लोक है और शिव का शिव लोक है। यहाँ पर सतलोक में तीन हो गए ना, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ और तीसरा शिवलोक। तीनों देव अपने अपने लोकों में विराजते हैं और ये साधारण जीवों की मुक्ति स्थल है। अब ये देखो, अम्बरीश, प्रहलाद, ध्रुव, अर्जुन, उद्धव, जान, ये जो बड़े बड़े नाम है जो अपन सुनते हैं, रुक्मानंद, नारद, प्रबल, भक्त, विभीषण, आन, ये जो अम्बरीश हुए, प्रहलाद जी हुए, ध्रुव, अर्जुन, उद्धव, रुक्मानंद, नारद, विभीषण, ये जितने बड़े भक्त है ना उनकी पहुंच यहीं तक है, उनकी भक्ति ने उनको यहीं तक पहुंचाया। अब देखेंगे नीमानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, है ना, और जो मध्य के जो चार शुद्ध वैष्णव संप्रदाय हैं उनकी पहुंच भी यहीं तक है ना। तो इन लोगों ने और भी कितने महान भक्त जिन्होंने चतुर्भुज स्वरूप को भजा है, वो वैकुंठ लोक तक ही पहुंचे हैं, उनकी पहुंच उससे आगे नहीं है। और इस तरह से हम देखेंगे कि दक्षिण मार्ग विषय भये विष्णु चतुर्भुज भक्त, तारतम्य को स्वाद तप लखो सबन की उक्त, कि चतुर्भुजी विश्व के जो भक्त हैं दक्षिण मार्ग वाले वो भी यहीं तक पहुंचते हैं। अगर किसी को तारतम ज्ञान मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन वो भी यहीं तक पहुंचते हैं। सन्यासी जो वारमार्गी हैं, सन्यासी वारमार्गी हैं, ये भी चपाई में है, ये पहुंचते हैं शिवलोक तक। और ब्रह्मपुरी में कौन पहुंचते हैं, जो योगी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी पहुंच की बात हुई। और अपन देखिए कि ये 14 लोकों में सबसे श्रेष्ठ गिनी जाती है, लेकिन अगर जागे पीछे देखिए, अपन अंतरदृष्टि खोल के देखिए, तो ये सब सपना है ना। देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, पताल सातों देखिए जागे पीछे सबको। तो 14 लोकों में, मतलब ये जो एक राजधानी के रूप में है, मतलब सबसे विशिष्ट लोक है। मैंने सात सागर देखे, महामती जी कह रहे हैं पताल के नीचे के भी 7 लोक देखे, जैसा स्वर्ग है वैसा वैकुंठ भी है। तो ये एक सुंदर सेवर के फूल के से है, लेकिन अज्ञान में नींद से जागते ही ये स्वप्नवत है, ये कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ तक कि उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ये यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का सतलोक। तो ये अपने 14 लोक कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने देखे भूलोक के नीचे 7 लोक तो पताल हुए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल लोक। और एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, भूलोक की पहली मंजिल तो भूलोक हुई, दूसरी मंजिल हुई स्वर्ग लोक, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल हुई जनलोक तपलोक, चौथी मंजिल हुई सतलोक, है ना। इसी तरह से विराट के जो 10वें स्वरूप है वो हुए इंद्र, 9वें स्वरूप हुए धर्मराजा, 8वें हुए ब्रह्मा, 7वें हुए विष्णु जी और 6ठे हुए शिव जी। तो इस तरह से ये अपने 14 लोक का विस्तार पूरा हुआ, जिसमें हमने देखा था स्वर्ग लोक तक नैमित्तिक प्रलय होती है और नीचे का सब नाश हो जाता है, और मृत्यु लोक में नित्य प्रलय है कि जैसे ही जन्म लेते आयु का क्षरण होना चालू हो जाता है। मनुष्य का तो समझ में आती है, यहाँ पे जो ये स्वर्ग भी कहे गए उनमें भी एक आयु निश्चित है, जैसे 5,000, तो वो भी तो डे बाय डे शरण हो ही रहे, नित्य प्रलय उनकी भी हो रही है, तो यहाँ पे नित्य प्रलय। और हाँ, ये जो सोने की भूमि है ये जो ऊपर तक जाती है तो मेहरलोक तक जाती है, महरलोक तक, और ये सोने की भूमि बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ देवता ही कदम रख सकते हैं, यानी ये सूक्ष्म जीवों का ही स्थान हुआ ये सारे द्वीप। तो इस तरह से हमारे 14 लोक कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं प्रथम समष्टि, विराट की प्रथम समष्टि यानी इस अष्ट आवरण की ओर। ये अष्ट आवरण है, ये देखो यहाँ लिख भी रखा है, पृथ्वी,
जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये अपने अष्टावरण है, ये घेर कर आए हैं। देखो नक्शा छोटा करती हूँ, नीचे शेषाहित नारायण को लेके और इधर सतलोक को पेट में लेके ये आवरण भूमि है। सबसे पहला आवरण है अपना पृथ्वी का। गगन पताल मेर शिखरो अष्टकुली बनाए, 50 कोट जोजन जिमी सागर सात समाए। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई से ये भी है कि हम जो कर रहे हैं वो धनी की राह पर ही है, क्योंकि वाणी में अष्टावरण का वर्णन आ रहा है, वाणी में लोकों का वर्णन आ रहा है। तो इस माया से ही ये अनंत आकाश बना है अष्टावरण, जिसमें 5 तत्व हैं। आपने देखा ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये हुए 5 तत्व। मन बुद्धि और चित्त अहंकार, ये हुए अंतस्करण के। तो अष्टावरण युक्त इस ब्रह्मांड में सुमेरु पर्वत जैसी पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और पाताल लोक की भी रचना इसी ने की है। 50 करोड़ योजन वाली इस पृथ्वी में सातों सागरों की रचना भी हुई है। तो इस तरह से अपने को ये चपाई भी मिलती है अष्टावरण पे। तो अब अपन देखते हैं अष्टावरण कैसे कैसे हैं। ये हमने 8 आवरण देखे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्ध और चित्त। ये किसकी वृत्तियां हैं? ये है, ये जो अपना शेष शय नारायण हमने देखा था, आदि नारायण के मन का स्वरूप। तो ये 5 तत्व और 3 अंतस्करण, मन बुद्धि चित्त, ये इसके हुए। अब रह गया अहम, एक अंतस्करण रह गया ना, तो वो अहम का स्वरूप ये है, ज्योति स्वरूप। मन अपने देखा ना यहाँ पे, मन बुद्धि चित्त। तो चौथा जो अहम का स्वरूप है वो है ज्योति स्वरूप, जिसका विस्तार अपन आगे करेंगे। अभी अपन अष्टावरण देखते हैं। घेर कर सबसे पहले पृथ्वी तत्व का आवरण आया है, कैसे? सतलोक को पेट में लेके और नीचे यहाँ पर ये देखो शेष नारायण को भी, तो पूरा घेर कर ये पहला आवरण आया। ये पहला आवरण कैसा है? इसका उदाहरण दिया गया कि जैसे संतरे के ऊपर छिलका होता है, तो ऐसे ये पृथ्वी तल पृथ्वी का आवरण आया है। और सब आवरणों की बात की कि जैसे प्याज के आवरण आते हैं, तो इस तरह से जो पहला आवरण है वो है पृथ्वी का, सूक्ष्म है ये सभी आवरण। और दूसरा आवरण पहले आवरण से 10 गुना बड़ा और 10 गुना सूक्ष्म होता गया है। ये देखो, ये जो प्रत्येक आवरण है, पहले आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना बढ़ता गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी आवरण को। ये जो पृथ्वी आवरण है, इसका रंग है पीला। इस नक्शे में भी दिखा रखा है कि इसका रंग है पीला। पीला कैसे? कि जैसे जब वनस्पति उगती है, तब कभी अपन ध्यान करें तो हल्की सी पीले रंग की होती है, तो इसका रंग पीला कहा गया। अब इसमें जो 5 तन्मात्राएं है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों गुण इसमें है। ये शब्द भी करती है, इसको अपन स्पर्श भी कर सकते हैं, इसका रूप भी है, इसका रस भी है, और इसकी गंध भी है। और इसके देवता हैं ब्रह्मा जी। जैसे ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कार्य करते हैं, तो इस पृथ्वी से भी वनस्पति उत्पन्न होती है। तो ये पहला आवरण अति सूक्ष्म आवरण है, ये है पृथ्वी का। फिर है दूसरा आवरण जल का। अब जल का अपन ने देखा रंग बताया सफेद, ये सफेद रंग का दिख रहा है ना आवरण। मैंने थोड़ा सी सुंदर सा जी जूम किया ताकि अपने को ये आवरण दिख सके, ये पूरे घेर कर आए हैं। तो ये जो जल है, इसका रंग कहा है सफेद। सफेद कैसे? आप जल को जमा दो बर्फ के रूप में, तो वो रंग सफेद हुआ ना। और इसके देवता हैं विष्णु जी। विष्णु जी पालनहार हैं, ऐसे ही जो जल है वो जीवनदाता पालनहार हुआ। और इसके 4 हैं, जो इसके गुण हैं वो 4 हैं। इसकी गंध नहीं है, इसके हैं शब्द स्पर्श रूप और रस, है ना, इसके 4 हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा आवरण अग्नि का। अग्नि का रंग लाल बताया, लाल कैसे? अभी आप लकड़ी को जला लो, लोहे को जला लो, है ना, कोयले को जला लो, तो लाल रंग दिखाई देता है ना, तो इसका रंग है लाल। और इसके देवता हैं शिव। और इसमें 3 गुण हैं, रूप स्पर्श और शब्द, इसमें रस नहीं है। फिर आया अपना वायु, वायु का रंग हरा बताया गया। और इसमें वायु में शब्द और स्पर्श 2 ही गुण आए,
और इनके देवता हैं ईश्वर, जो अभी ऊपर ज्योति स्वरूप की बात करेंगे वो ज्योति स्वरूप इनके ईश्वर मतलब इनके देवता हैं। फिर है आकाश, आकाश का रंग काला धूम बताया गया। इनके देवता हैं सदाशिव और इनका एक ही गुण है शब। ये प्रत्येक आवरण पहले आवरण से 10 गुना विस्तार करने वाला है। अब जैसे देखिए कि ब्रह्मा जी से शक्तिशाली विष्णु, विष्णु से शक्तिशाली शिव, शिव से शक्तिशाली गायत्री और गायत्री से भी शक्तिशाली हुए सदाशिव देवता, सदैव कल्याणकारी वो देवता, तो ऐसे बढ़ती हुई। अब उसके बाद अपन देखेंगे मन का आवरण, ये मन का आवरण। अब ऊपर से तो ये अच्छा, ये जो जो पांच आवरण बताए ना, इनमें हजारों सूर्यों सा प्रकाश है, ऐसे ही हुआ मन का आवरण। इसके अंदर भी हजारे सूर्य सा प्रकाश है लेकिन अंतर में अंधकार है। जैसे अपने मन के अंदर अगर अपने को ज्ञान नहीं मिला तो अंधकार ही है, दुनिया भर की कल्पनाएं और ये सब। फिर है बुद्धि, बुद्धि में भी सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, कई प्रकार के चित्र विचित्र उतरते हैं, कल्पनाएं उठती हैं, तो कई मत मतांतर इसी को ब्रह्मा मान के पूछते हैं। फिर है चित्त, ये है सात्विक अहंकार, है ना। योगी तक यहाँ पे, योगी लोग जो साधना करते हैं, योगी तपस्वी, तो उनको यहाँ पे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, तो वो इसी को ही ब्रह्म मान लेते हैं। तो ये प्रत्येक आवरण पहले आवरण से 10 गुना बलशाली होता गया है और सूक्ष्म होता गया है। तो इस तरह से ये हुए अपने अष्टावरण, और ये विराट की प्रथम समष्टि है, मतलब प्रथम सामूहिक, यानी इसके अंदर इन 14 लोकों का पूरा समूह है। तो इस तरह से ये हुआ अष्टावरण विराट की प्रथम समष्टि। इसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त अहंकार। और ये किसके हैं, ये पांच तत्व और अहंकार, ये हैं इन शेषशायी नारायण के। तो ये अति सूक्ष्म है क्योंकि इन शेषशायी नारायण से हैं। तो शेषशायी नारायण से हैं तो इन 14 लोकों का मूल इन अष्टावरण में भी है। अभी हमने देखा जो शेषशायी नारायण है उसके चार अंतस्करण इन अष्टावरण में है, मतलब चार अंतस्करण है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहम। तो मन, बुद्धि, चित्त तो इन अष्टावरण में आ गया, अब रह गया अहम। तो अहम का स्वरूप हुआ ज्योति स्वरूप, शेषशायी नारायण की अहम का स्वरूप हुआ ये ज्योति स्वरूप, इसको नाथ ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। और इस अहम का जो ज्ञान है वो है गायत्री, या यूं भी कहेंगे कि ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री का निवास है, ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री का निवास। तो हम ये ज्योति स्वरूप को देखते हैं चार्ट के मारे। ज्योति स्वरूप ये महाविष्णु के स्थूल में नाथ ज्योति स्वरूप, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये महाविष्णु का स्थूल पाद है, यहाँ तक इस जगह तक, ये देखो मैं निशान लगाती हूँ, महाविष्णु के चार पाद हुए ना, तो ये भाग यहाँ तक इस जगह तक, ये जो एरो लगा है ना यहाँ तक, ये है स्थूल। स्थूल के बाद है ये है सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद ये है कारण, और ये ऊपर है महाकारण। तो अभी अपन स्थूल का विस्तार देख रहे हैं जिसमें हमने अभी तक 14 लोक देखे, अष्टावरण देखा। अब देखते हैं ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप का स्थान कहाँ पर है, अष्टावरण के ऊपर। ये देखो मैं इसको जूम करती हूँ नक्शे को, ये देखो अष्टावरण के ऊपर है ना। अब इसी ज्योति स्वरूप से, इसको हम नाथ ज्योति भी कहते हैं। नाथ ज्योति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मूल है अव्यकृत के स्थूल में है। अव्यकृत के मतलब यहाँ जहाँ पे, यहाँ स्थूल में है ना, तो ये अव्यकृत के स्थूल में ही अपने को इसका मूल मिलेगा। ये देखिए ये अव्यकृत का नक्शा है, ये देखिए अव्यकृत के स्थूल में बिल्कुल वही पिक्चर है जो हम अभी उसमें देखेंगे आदि नारायण में। तो ये है ज्योति स्वरूप, यहाँ पे इसको कहेंगे बिंदु ज्योति स्वरूप, यानी ये मूल है, असल है, इसको समष्टि ज्योति स्वरूप भी कहेंगे। और यहाँ हम देखते हैं जब इसको आदि नारायण में, तो यहाँ इसको उससे पृथक करने के लिए इसको कहेंगे नाद ज्योति स्वरूप, और ये व्यष्टि ज्योति स्वरूप है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे जो बिजली घर होता है, जो बिजली का जो स्रोत होता है वो तो एक ही है, तो वो तो है समष्टि। अब उस बिजली से कई घरों में कई जगह लाइटें जलती हैं, तो वो एक एक लाइट जो है वो व्यष्टि स्वरूप हुई। अब इसका जो मूल है वो अपन ने देखा अव्यकृत के स्थूल में है,
अब जितने ब्रह्मांड बनते हैं, जैसे अपन ने देखा कि अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ ब्रह्मांड बनते हैं, एक साथ करोड़ ब्रह्मांड बने, तो ज्योति स्वरूप वहां पर तो एक ही है समष्टि में, लेकिन अब करोड़ों ब्रह्मांड में जीवों को लाने ले जाने का काम इस ज्योति स्वरूप को करना है, तो ये व्यष्टि ज्योति स्वरूप है। मान लो एक साथ 10 ब्रह्मांड पड़े, अपन ऐसे मान के चले 10 ब्रह्मांड बने, तो 10 ही ये ज्योति स्वरूप होंगे, हर ब्रह्मांड का अलग ज्योति स्वरूप। और जिस वक्त लय होता है तो ये ज्योति स्वरूप इस ब्रह्मांड के जीवों को अपने में समाहित करके फिर अपने मूल समष्टि स्वरूप में जाके मिल जाएगा, जहां से ये निकला है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये ज्योति स्वरूप जीवों को लाने ले जाने का कार्य करता है। तो वहां पे समष्टि तो वहां पे हो गई अव्यकृत के स्थूल पाद में, वो उसका सामूहिक हो गया। अब मान लो बन गए 10 या 15 या लाखों करोड़ों, जैसे कहते हैं ब्रह्मांड एक साथ बनते हैं, तो सब में एक एक ज्योति स्वरूप गया, क्योंकि जीवों को लाने ले जाने का कार्य इसने करना है। तो इस तरह से इसको व्यष्टि ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, इसको नाद ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। अपन चार्ट के जरिए देखते हैं, ये देखिए महाविष्णु के स्थूल में नाद ज्योति स्वरूप, जबकि इसको जब इसके मूल को देखेंगे तो उसको कहेंगे बिंदु ज्योति स्वरूप। इसको व्यष्टि रूप प्रणव भी कहते हैं, ओम ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ओम का अपन संधि विच्छेद करें तो आ ऊ मा अर्धमात्रा और बिंदी, पांच होते हैं, इन पांचों से पांच तत्व, तो इसको ओम ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। अब इनके पांच मुख हैं, इसको अपन पिक्चर से देखते हैं। ये देखो इसके पांच मुख हैं, ऐसा ही ठीक अपन ने नक्शा वहां देखा था अव्याकृत में, ठीक वही का वही प्रतिरूप है, वही का वही प्रतिबिंब है। अब इसके पांच मुख हैं, पांच मुख किसका प्रतीक है बातुनी रूप में, पांच तत्वों का, क्योंकि पांच तत्वों की उत्पत्ति इसी से हुई है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी इसी से बताई गई है, क्योंकि अपन ने देखा ना शेषय नारायण से नाभि कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसका अहम हो गया और उसके अहम का स्वरूप ये ज्योति स्वरूप हो गया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी इसी से होती है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो सतलोक वैकुंठ के अधिकारी है, जहाँ जीव बड़ी मुश्किल से जाके पहुंचते हैं कई प्रकार का तप करके, इनको भी ज्योति स्वरूप तक पहुंचना है, तो इन अष्ट आवरणों को पार करना है। बहुत आसान नहीं है इनको ज्योति स्वरूप तक पहुंचना, इनको अष्ट आवरणों को पार करना है। अब हमने देखा पांच मुख यानी इनके पांच तत्व ना, अग्नि जल पृथ्वी, अग्नि जल वायु और आकाश, वो ये पांच मुख उसका प्रतीक हुए। अब इसकी देखेंगे 10 भुजाएं, तो ये है जड़ और चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि। अब इसने देखो एक तरफ से तो जड़ को पकड़ रखा है और एक तरफ से इसका मूल जो है चेतन यानी अव्याकृत में है, तो इसको बोलते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि, तो इसलिए इसकी 10 भुजाएं कही गई। और 10 भुजाएं इसलिए भी कही गई, ऊपर महातत्व में हम यहाँ महाविद्या देखेंगे 10, तो उन 10 विधियों के द्वारा ये ज्योति अपना कार्य संचालन करती है, तो इसकी 10 भुजाएं हैं। अब इसके नेत्र हैं 15, 15 नेत्र हैं, कि इसके दो दो नेत्र तो हर मुख के हुए, 10 तो हो गए, और पांच इसके नेत्र दिव्य हैं, तो इसके 15 नेत्र हैं। और इसका विस्तार अपन जब करेंगे ना अव्याकृत, तो उसमें होगा कि वहां पे एक रोधिनी शक्ति है, थोड़ा सा यहाँ वर्णन कर देते हैं। वो 15 दिन तो साकार रहती है, यानी 15 दिन तो उसकी आंखें खुली रहती है, जब आंखें खुली रहती है तब सृष्टि, क्या कहना चाहिए, उत्पन्न होती है सृष्टि, जब वो आंखें बंद कर लेती है तो सृष्टि का लय हो जाता है, मतलब पलक झपकाने से सृष्टि बनती है। तो ये जो 15 नेत्र हैं, उन 15 दिनों में जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हमने ये देखा, एक बार वही चार्ट पे वापिस जाते हैं। ये देखिए महाविष्णु के स्थूल में नाद ज्योति स्वरूप, व्यष्टि रूप और ओम ओम ज्योति स्वरूप, पांच मुख हुए इसके, चार दिशा में एक मध्य यानी पांच तत्व का प्रतीक, 10 भुजाएं हमने देखी, 10 शक्तियों का स्वरूप कहे, या यूं कहे इसने जड़ को भी पकड़ रखा है, चेतन को भी पकड़ रखा है, 15 नेत्र है, और इसका रंग है गोर, इसका रंग जो बताया गोर बताया है, और जड़ चेतन की गांठ है, यानी पांच तत्व भी है इसमें, मतलब इसने पांच तत्वों की उत्पत्ति यानी पांच तत्वों का मूल इसके अंदर है, जो पांच तत्व अपन ने 14 लोकों में देखे मूल, मतलब उसका जो मूल है ना वो इसके अंदर है, और इसने प्लस ये चेतन, इसका जो मूल है इसका चेतन में है,
तत्वों का मूल इसके अंदर हुआ, ज्योतिष रूप के अंदर, और ज्योतिष रूप का नाथ ज्योतिष रूप का जो मूल हुआ वो हुआ अव्याकृत के चेतन में। तो इस तरह से ये जड़ चेतन की गांठ भी हुई। और एक ये आता है ना कबीर की साखी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। अब एक राम दशरथ का बेटा कौन हुआ, जो विष्णु का अवतार हुआ राम, 24 अवतार में से एक अवतार हुआ, वो तो हुआ एक राम दशरथ का बेटा। एक राम घट घट में लेटा, तो ये जो घट घट में लेटा है यानी घट यानी घड़ा, जो हर घड़े में है, अर्थात जैसे मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, वृक्षों में, कीट पतंगों में जो चेतन है, वो चेतन किस कौन लेके आ रहा है, ज्योतिष स्वरूप। तो एक राम घट घट में लेटा, तो ये राम है घट घट में लेता, ज्योतिष स्वरूप को घट घट में लेटा राम भी कहते हैं, घट घट वासी राम भी कहते हैं। तो ये ज्योतिष स्वरूप की बात हुई। एक राम का सकल पसारा, तो वो जो शेष है नारायण अपन ने गर्भोदक समुद्र में देखा, वो उस राम का सकल पसारा, यानी ये पूरा जो अपन विश्व देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, उन सब में उसका पसारा है। और एक राम इन सब से न्यारा, तो ये जो राम है अक्षरधाम का मन हुआ। तो इस तरह से ये साखी घटती है। फिर इसके नाम देखो, इसको प्रणव अक्षर शिव भी कहते हैं, क्योंकि 5 तत्वों का समूह इसके अंदर है। व्यापक ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि सब चेतन जीवों में ये व्यापक है। जीव स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि जीव लाने ले जाने का कार्य ये करती है। इसको महापुरुष भी कहते हैं, घट घट वासी राम, ये अपने अभी विस्तार देखा क्यों कहते हैं इसको। नाद ज्योतिष स्वरूप, नाद ज्योतिष स्वरूप अपन एक बार वापिस देखते हैं कि जो अव्यकृत में है ज्योतिष रूप, वो तो है बिंदु ज्योतिष स्वरूप। यहाँ पे उसको अलग करने के लिए यहाँ पे नाम दे दिया नाद ज्योतिष स्वरूप। अब ओम ज्योति स्वरूप है, ओम के अंदर हम देखते हैं 5ों तत्व समाहित हो जाते हैं, 5ों देवता समाहित हो जाते हैं। मतलब आपने देखा था ना अभी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ईश्वर और सदाशिव, तो इस ओम में वो समाहित हो जाते हैं। पंचमुखी शिव, इसका 5 मुख है। औमित्य अक्षर, तो इस तरह से इसके ये कई नाम हैं। अब एक साक्षी है तंत्रोक्त से कि अकार से शिव, जो अपन ओम का संधि विशेष करते हैं, तो सबसे पहले होता है अ, अ से अकार से शिव, उकार से ब्रह्मा, मकार से विष्णु, आ उमा। बिंदु से अष्टावरण युक्त विराट, और नाद से प्रणव अक्षर नाद, स्वभाव ज्योतिष रूप की क्रमशः उत्पत्ति हुई। इन 5ों के संयुक्त आकार को ही प्रणव स्वरूप कहते हैं। इस विश्व के संपूर्ण जीवों के हृदय में जो चेतन शक्ति रूप जीव है, उन सभी पर इसका शासन होने से इसको नाद ज्योतिष स्वरूप, व्यष्टि ज्योतिष स्वरूप, ईश्वर भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये ज्योतिष रूप का विस्तार देखा। तो ये हमने देखा इसके 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र हैं, और ये व्यष्टि ज्योतिष स्वरूप है। मतलब इसका कार्य क्या है, जो मतलब इसका जो मूल है चेतन में है, यानी अव्याकृत में है, अक्षर ब्रह्म के मन में है, तो जीवों को लाने ले जाने का कार्य ये करती है। अब खूब सारे ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों ने एक साथ प्रलय होना है, तो सभी ब्रह्मांडों के ज्योतिष स्वरूप अपने अपने जीवों को लेके अपने मूल में पहुंचेंगे, है ना। और ये जो है अभी अपन ने देखा था ना कि ये पहली मंजिल हुई भूलोक, दूसरी मंजिल हुई स्वर्ग लोक, तीसरी मंजिल हुई तप लोक, चौथी मंजिल हुई वैकुंठ धाम, ये है 5वीं मंजिल। और ये आदि नारायण की 5वीं सूरत भी हुई। इसी तरह से अपन इसका भी देख लेते हैं, गायत्री जो है ये है 6ठी मंजिल, है ना। एक बार देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। ये पहली मंजिल, स्वर्ग लोक दूसरी मंजिल, जन लोग तप लोग तीसरी मंजिल हुई जीवों की, मतलब वो यहाँ तक जाना चाहते हैं, ये 4थी मंजिल, थोड़ा और आगे प्रयास करेंगे तो ज्योति स्वरूप 5वीं मंजिल, और ये है 6ठी मंजिल, है ना। और स्वरूपों में बात करेंगे तो ये 10वें स्वरूप, धर्मराजा 9वें स्वरूप, ये 8वें, 7वें, 6ठे, ये 5वें स्वरूप, और ये आदि नारायण की 4था स्वरूप, है ना।
तो इस तरह से ये अब ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री शक्ति का निवास है। ये अपन ने देखा शेषराही नारायण के अहम का स्वरूप हुआ, अहम के अंदर का जो ज्ञान है वो है गायत्री। अब गायत्री का ज्यादा विस्तार नहीं है, गायत्री का इतना ही विस्तार है कि ये चार वेद लेके बैठी है जो इसकी श्वासों की प्रगति से, अभी देखा था ना शेषराही नारायण की श्वासों की प्रगति से ब्रह्मा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। तो इन चारों वेदों का गायन ये गायत्री जी कर रही हैं। इनका वाहन कोई तो कहते हैं मोर, कोई कहते हैं हंस, पर हंस मारना अच्छा सही लगता है क्योंकि हंस ही शिरनी का बिवेरा कर सकता है। और यहाँ की संपूर्ण सामग्री सफेद रंग की है, यहाँ के माहौल, मंदिर सब सफेद रंग के हैं। चार वेद का गायन कर रही है और इन वेदों में अपनी जो लीला हुई ना ब्रज और राज की, उस लीला का प्रतिभास है। देखो सबलिक में अखंड हुई, सबलिक से अव्याकृत में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, अव्याकृत से आदिकरण का भी अपन आदिनारायण का महाकरण देखेंगे उसमें प्रतिभास पड़ा, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, फिर कारण में उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, और इधर स्थूल में भी उन ब्रज लीला का और रास लीला का प्रतिभास है। कहने का क्या भाव है कि ये जो वेद है इन वेदों में उन लीलाओं की साक्षियां दी रखी हैं, उन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। तो ये गायत्री जब ध्यान में होती है तो उन लीलाओं का सुख लेती है, प्रतिभास की भी प्रतिभास प्रतिभास। तो इस तरह से ये ज्ञान शक्ति, इसको भी अपन वहां से देखते हैं। ये देखिए ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में गायत्री का निवास है, ज्योति स्वरूप शेषराज नारायण के अहम का स्वरूप हुआ, तो ये गायत्री उन अहम के भीतर का ज्ञान हुआ, और इसका स्थान भी अव्याकृत के स्थूल पात में है। अव्याकृत को देखते हैं, ये देखो ये रहा ज्योति है ना, ये अव्याकृत के स्थूल पाद में है। यहाँ देखो ये पांच वेद लेके बैठी है, क्योंकि ये पांचवा वेद तो ब्रह्मात्मा ही लेके आएंगी, श्री जी लेके आएंगे स्वसं वेद। तो यहाँ पे जब सूक्ष्म में ये है मूल ज्योति स्वरूप, तो यहाँ ये पांच वेद लेके बैठी है, और यहाँ हम देखेंगे यहाँ इसके पास चार वेद हैं, क्योंकि पांचवा सूक्ष्म वेद तो श्री जी लेके आएंगे, ब्रह्मात्मा ही लेके आएंगी। तो ये अपना विस्तार हुआ आदि नारायण के अहंकार का, यानी स्थूल मन का, मतलब मन का विस्तार हुआ यानी स्थूल पाद का विस्तार हुआ, जिसमें हमने 14 लोक देखे, अष्टावरण देखा, ज्योति स्वरूप देखा और ज्ञान शक्ति देखा। तो इस तरह से ये विस्तार हुआ आदि नारायण के स्थूल पाद का।